हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन टारगेट। सो गाइज, इन दिस वीडियो आई हैव टेकन अ चैप्टर फ्रॉम क्लास थर्ड रियल इंग्लिश चैप्टर टू। द नेम ऑफ चैप्टर इज द मैजिकल बुक। और इसी क्लास की बाकी वीडियोज भी मैंने बना दी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। द वैकेशन वाज कमिंग टू एन एंड। वैकेशन मीन्स होलीडेज। जो वैकेशंस थे, बच्चों की जो छुट्टियां थी वो ख़त्म होने वाली थी। एंड द स्कूल वुड रीओपन इन अ वीक। और एक हफ्ते में उनके स्कूल भी खुलने वाले थे। हरीश वाज वॉचिंग टीवी। हरीश टीवी देख रहा था। व्हेन ही हर्ड हिज मदर साउट। जब उसने अपनी मदर की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। फ्रॉम द अदर रूम, दूसरे रूम से। हरीश आर यू रेडी। हरीश क्या तुम तैयार हो। हिज मदर वॉज आस्किंग। द काउंटर क्लोजेज एट 12 o'clock, क्योंकि काउंटर 12 बजे बंद हो जाता है। वी हैव टू हरी, हमें जल्दी निकलना है। हरीश हरीडली पुट ऑन हिज शूज एंड शाउटेड बैक। पुट ऑन मीन्स हेयर, पहनना। हरीश ने जल्दी से अपने शूज पहने। एंड शाउटेड बैक मीन्स अगेन वो चिल्लाया मदर को रिप्लाई करने के लिए। येस मॉम आई एम रेडी। हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू नियर द कार, मैं आपका इंतज़ार कार के पास कर रहा हूँ। हरीश एंड हिज मदर वर गोइंग टू कलेक्ट हिज न्यू टेक्स्ट बुक्स एंड नोट बुक्स फॉर क्लास थर्ड फ्रॉम द स्कूल। अब वो दोनों कहाँ जा रहे थे, वो दोनों स्कूल से, जो स्कूल की शॉप होती है वहाँ से अपने लिए अपनी टेक्स्ट बुक और नोट बुक्स मीन्स न्यू सिलेबस जो होता है वो परचेज करने के लिए जा रहे थे। बिफोर दिस हरीश वॉज इन सेकेंड क्लास एंड नाउ ही इज इन क्लास थर्ड। बच्चों यू हैव टू रिमेंबर दीज क्वेश्चंस बिकॉज आई विल आस्क यू लेटर। सो हेयर हरीश एंड हिज मदर वर गोइंग टू कलेक्ट हिज न्यू टेक्स्ट बुक्स एंड नोट बुक्स फॉर क्लास थर्ड फ्रॉम द स्कूल। अब वो स्कूल से अपनी न्यू बुक्स परचेज करने के लिए जा रहे थे। हिज फ्रेंड अमित हैड ऑलरेडी गॉट हिज बुक्स। सो वॉट इज द नेम ऑफ हिज फ्रेंड्स, अमित। सो अमित हैड ऑलरेडी गॉट हिज बुक्स, उसने पहले से ही अपनी बुक्स परचेज कर ली थी। एंड देवर ग्लोसी एंड कलरफुल। सो ग्लोसी मीन्स हेयर, शाइनी। द बुक्स वर ग्लोसी एंड कलरफुल। एज सून एज हरीश गॉट द बुक्स फ्रॉम द काउंटर, जैसे ही हरीश ने काउंटर से बुक्स ली, ही लिव्ड थ्रू दैम, तो उसने पेज को पलटना शुरू किया जल्दी जल्दी। द पेजेज वर सो क्रिस्प एंड नीट। और जो पेजेज थे बुक्स के वो कैसे थे, क्रिस्प थे। क्रिस्प मीन्स हेयर, सॉफ्ट एंड नीट, बिल्कुल साफ सुथरे और सॉफ्ट थे। ऑन द वे बैक मदर वॉन्ड हिम, रिमेंबर हरीश यू आर अ बिग बॉय नाउ। अब रास्ते में वापस आते हुए मदर जो है हरीश को वॉन्ड भी करती हैं कि हरीश अब तुम बड़े हो गए हो, यू मस्ट कीप दीज बुक्स प्रॉपरली, तुम्हें अपनी बुक्स को अच्छे से रखना चाहिए। नो टीयरिंग पेजेस टू मेक रॉकेट्स एंड बोर्ड्स, और अब तुम्हें पेजों को फाड़ना नहीं है उनके रॉकेट्स और बोर्ड्स बनाने के लिए। जैसे कि छोटे बच्चे अपनी अपनी बुक में से पेजेज फाड़ के कुछ भी बनाते रहते हैं, ऐसे ही हरीश को भी एक बैड हैबिट थी, वो पेजेज को फाड़ देता था। दैट्स वाई हिज मदर वॉर्न हिम। नो मैटर दिस ईयर आई विल कीप माई बुक्स नीट। अब वो प्रोमिस करता है कि नो मदर, नहीं माम, मैं इस बार अपनी पेज को, अपनी बुक्स को बिल्कुल साफ सुथरा रखूँगा। आई वॉन्ट टीयर पेजेज, आई प्रोमिस, एंड दिस टाइम आई विल नॉट टीयर द पेजेज फ्रॉम माई बुक। मैं वादा करता हूँ कि इस बार मैं अपनी बुक से पेजेज को नहीं फाड़ूँगा। हरीश वाज गुड एट स्टडीज, हरीश पढ़ने में बहुत अच्छा था। ही प्लेड बास्केटबॉल वेल, बास्केटबॉल भी बहुत अच्छे से खेलता था। बट ही हैड वन बैड हैबिट, लेकिन उसकी एक गंदी आदत थी। डू यू नो, ही ट्रीटेड हिज बुक्स बैडली, वो अपनी बुक्स को बहुत गलत तरीके से रखता था, बहुत मतलब ध्यान नहीं रखता था अपनी बुक्स का। ही वुड टीयर देयर पेजेज, टच दैम विद डर्टी हैंड्स,
थ्रो देम अराउंड एंड ओफन मिसप्लेस देम। वो अपनी बुक्स को अच्छे से नहीं रखता था, उनको फाड़ भी देता था अपने डर्टी हैंड से, जो उनको टच भी करता था जिससे पेजेज गंदे हो जाते थे, और इधर उधर फेंक भी देता था जिससे कि वो मिसप्लेस हो जाती थी। हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स स्कोल्डेड हिम सेवरल टाइम्स फॉर दिस। और उसके जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं उन्होंने उसको काफ़ी टाइम इस चीज़ के लिए डांटा भी था, बट ही डिड नॉट लिसन, लेकिन वो किसी की सुनता ही नहीं था। हिज मदर होप्ड दैट एट लीस्ट दिस ईयर ही वुड बी मोर केयरफुल। अब उसकी मदर को बस यही होप था कि इस बार वो अपनी बुक्स को केयरफुली रखेगा। द स्कूल रीओपन एंड क्लासेस बिगेन। स्कूल रीओपन हो गया एंड क्लासेस भी चलने लगी। हरीश प्राउडली कैरीड हिज न्यू बुक्स टू स्कूल। और हरीश भी प्राउडली अपनी बुक्स को लेके गया क्योंकि उसकी सारी बुक्स न्यू थी, तो ही वॉज हैप्पी विद दैम। बट जस्ट 2 months into द स्कूल टर्म। और स्कूल जाते जाते 2 months के बाद ही ऑल द बुक्स वर लुकिंग डिफरेंट। जो इतनी उनकी नई बुक्स थी, इतनी अच्छी बुक्स थी, वो सारी डिफरेंट दिखने लगी। द इंग्लिश नोटबुक हैड नो कवर। इंग्लिश की नोटबुक में तो कवर ही नहीं था। मैथमेटिक्स हैड मैनी पेजेज मिसिंग। और जो उसकी मैथमेटिक्स की बुक्स थी उसमें भी काफ़ी पेज मिस हो चुके थे। द हिंदी टेक्स्ट बुक वॉज टॉर्न। और जो हिंदी की टेक्स्ट बुक थी वो भी फट चुकी थी। मीन्स इस बार भी हरीश ने अपनी बुक्स को अच्छे से नहीं रखा था। हरीश मदर गोट एंग्री सीइंग द पैथेटिक शेप ऑफ हिज बुक्स। अब उसकी जो बुक्स को देख करके कि कितनी गंदी बुक्स कर रखी हैं इसने और क्या हालत बनाई हुई है, हरीश की मदर भी उससे बहुत गुस्सा हुई। सी डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन। अब उसने डिसाइड किया कि मैं इसको एक लेसन सिखाऊंगी। सी वेंट टू सी हरीश इंग्लिश टीचर मिसेज जया। अब वो उसकी इंग्लिश टीचर के पास जाती हैं। द नेम ऑफ इंग्लिश टीचर इज मिसेज जया। एंड दे थॉट ऑफ अ प्लान। और दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। ऑन मंडे मॉर्निंग हरीश वाज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। अब मंडे मॉर्निंग को हरीश अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। मदर डिड यू सी माई इंग्लिश नोटबुक, आई हैव अ टेस्ट टूडे। देन ही आस्क्ड हिज मदर हैव यू सीन माई इंग्लिश नोटबुक एनी वेयर। क्या आपने मेरी कहीं इंग्लिश की नोटबुक देखी है। आई हैव अ टेस्ट टूडे, क्योंकि आज हमारा स्कूल में टेस्ट है। नो हरीश, आई एम श्योर इट्स समवेयर देयर। हैव यू चेकड इन साइड योर बैग एंड सेल्फ। सो हेयर हरीश की मदर रिप्लाई करती हैं, नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन वो वहीं कहीं होंगी, अच्छे से देखो। और क्या आपने अपने बैग में भी चेक किया है या अपनी अलमारी में चेक करो। ओ मोम, आई कॉन्ट फाइंड इट एनी वेयर। मैं इसको कहीं नहीं ढूंढ पाया। मिसेज जया इज गोइंग टू स्कॉल्ड मी टूडे। आज मुझे जया मैम डांटेंगी। वेल इट्स टाइम टू लीव। अब निकलने का समय हो चुका है। योर बस इज हेयर। आपकी बस आ चुकी है। ऑलरेडी आई एम ऑल्सो गेटिंग लेट फॉर ऑफिस, सैड मदर स्माइलिंग टू हर सेल्फ। और उसकी मदर ने स्माइल करते हुए बोला कि मुझे भी ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, तुम्हारी भी बस आ चुकी है, सो बेटर यू शुड लीव नाउ। सी न्यू मिसिज जया वुड टेक केयर ऑफ द रेस्ट, क्योंकि उसको पता था कि जया मैम अब आगे जो है खुद ध्यान रखेंगी क्या करना है, क्योंकि उन दोनों ने तो मिलके प्लान बनाया था ना। लेटर इन द क्लास मिसिज जया आस्क्ड द पपिल्स टू टेक आउट देयर इंग्लिश नोटबुक्स। अब मिसेज जया ने भी सबको बोला, बच्चों को, कि अपनी अपनी नोटबुक्स निकालो। सी हैंडेड आउट द क्वेश्चन पेपर एंड ऑर्डर देम टू आंसर द क्वेश्चंस। और उन्हें क्वेश्चन पेपर देके बोला कि इनके आंसर अपनी नोटबुक में लिखो। व्हाइल द अदर चिल्ड्रन वर बिजी प्रिपेयरिंग टू राइट हरीश सेट स्टार्टिंग अहीड विद टीयर्स इन हिज आइज। अब हरीश तो वहाँ बैठ के रोने लगा, सभी बच्चे अपना अपना काम कर रहे थे। तो हरीश, वेयर इज योर नोटबुक, वाई आरंट यू राइटिंग द आंसर्स। अब उनकी मैम ने पूछा कि हरीश आप यहाँ क्यों बैठे हो एंड आपकी नोटबुक कहाँ है। वाई आरंट यू राइटिंग द आंसर्स, आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं।
मैम आई हैव लॉस्ट माई नोटबुक, मैंने अपनी नोटबुक खो दी है। ओह रियली, आई एम नॉट सरप्राइज, इन फैक्ट लास्ट नाइट आई हैड अ ड्रीम, मुझे ये सुनकर सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि मेरा सपना सच हो गया जो मैंने लास्ट नाइट देखा था। मैनी बुक्स वर साउटिंग एंड कंप्लेनिंग अबाउट द क्रूअल लिटिल चिल्ड्रन हु हर्ट देम। अब मिसिज जया जो उनकी इंग्लिश टीचर होती हैं, उन्होंने बोला रात मैंने सपना देखा था कि बहुत सारी बुक्स मुझसे कंप्लेन कर रही थी कि कैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो हमें हर्ट करते हैं। दे हैड डिसाइडेड टू हाइड देम सेल्व्स फ्रॉम द लिटिल विलन्स, और उन सब बुक्स ने आज डिसाइड किया है कि वो इन छोटे छोटे जो विलन्स होते हैं, छोटे जो नोटी बच्चे होते हैं, इनसे अपने आप को छुपा लेंगे। आई थिंक माई ड्रीम इज कमिंग ट्रू, और मुझे लगता है मेरा ड्रीम सच हो गया है। हाउ वुड यू लाइक इट इफ समवन पुल्ड योर नोज हैंड्स ईयर्स और लेग्स, और तुम्हें कैसा लगेगा अगर कोई तुम्हारे हैंड्स नोज और ईयर्स या लेग्स को पकड़ के खींचेगा। वुडेंट इट हर्ट, क्या तुम्हें दर्द नहीं होगा। योर बुक्स फील द सेम व्हेन यू टियर देम, ऐसे ही आपकी बुक्स को भी सेम फील होता है जब आप उनको फाड़ते हो। सो हेयर यू कैन सी द बुक्स, दे आर सेइंग डोंट टियर अस। सो हेयर हरीश थॉट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, हरीश ने थोड़ी देर सोचा। हिज मदर फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स वर ऑलवेज एंग्री विद हिम फॉर दिस सिंगल बैड हैबिट ऑफ हिज। अब वो मन में सोचता है हाँ मैम सही कह रही हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे ग्रैंड पेरेंट्स सभी मुझसे सिर्फ इसी आदत के लिए गुस्सा रहते हैं जो कि मेरे अंदर एक ही बैड हैबिट है। ही सैड क्राइंग, मैम प्लीज गिव मी वन लास्ट चांस। अब वो रोते हुए बोलता है मैम बस मुझे एक चांस दे दो, आई प्रोमिस आई विल बी केयरफुल विद माई बुक्स, अब मैं अपनी बुक्स के साथ सावधानी से अपनी बुक्स को रखूँगा और उनके साथ मिसबिहेव नहीं करूँगा। मिसिज जया सैड गो होम एंड चेक योर बुक सेल्फ, अब तुम घर जाओ और अपनी बुक सेल्फ को अच्छे से देखो, किताबों की अलमारी में ही बुक्स आपको मिलेगी। आई एम श्योर योर नोट बुक वुड हैव कम बैक देयर, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी नोटबुक वहाँ पे वापस आ गई होगी। टेक टूडेज टेस्ट इन योर रफ नोटबुक, और आज का टेस्ट तुम अपनी रफ नोटबुक में कर सकते हो। रिमेंबर डोंट एवर टीयर पेजेज फ्रॉम योर बुक्स और कीप देम डर्टी, लेकिन अब तुम्हें याद रखना है कि अपनी बुक्स को फाड़ना नहीं है और उनको गंदा भी नहीं करना है। हरीश हैड लर्न हिज लेसन, हरीश ने आज का अपना लेसन सीख लिया था। What was the lesson? We should not tear our books. Okay. Then Harish was surprised when he reached home. अब हरीश को काफ़ी मतलब सरप्राइज हुआ वो जब वो घर पहुँचा। The English notebook was right there on the shelf. क्योंकि उसकी जो English book थी वो उसकी अलमारी पर रखी हुई थी। How did he miss it in the morning? क्योंकि वो morning में उसको कितना miss कर रहा था। Had Mrs. Jaya's dream come true? क्या Mrs. Jaya का जो dream था वो सच हो गया था? That is the question for him. So here, story is finished. आपको ये story कैसी लगी? Comment box में ज़रूर बताना। और क्या आप भी अपनी books को ऐसे ही tear करते हैं? अगर करते हैं तो दिस इज अ बैड हैबिट, यू शुड नॉट टियर योर बुक्स। ओके, अब देखते हैं एक्सरसाइज वर्क। ट्रू फॉल्स, हरीश हैड नो बैड हैबिट्स, दिस इज फॉल्स बिकॉज ही हैड ओनली वन बैड हैबिट, ही टियर हिज बुक्स टियर द पेजेज ऑफ हिज बुक्स। ओके, हरीश फ्रेंड्स नेम वॉज अमर, इज इट करेक्ट? नो, बिकॉज द नेम ऑफ हिज फ्रेंड इज अमित, सो दिस इज फॉल्स। देन मिसेज जया टोट मैथमेटिक्स, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज ही टोट देम इंग्लिश। हरीश मदर एंड मिसेज जया टुगेदर प्लान दैट दे वुड हाइड हिज बुक्स,
हरीश की मदर और उनकी जो टीचर हैं मिसिज जया, उन दोनों ने प्लान बनाया कि वो दोनों मिलकर उसकी बुक्स को छुपा देंगी। दैट इज ट्रू। मिसिज जया डिड नॉट एक्चुअली हैव एनी ड्रीम ऑफ बुक्स कंप्लेनिंग। मिसिज जया ने सच में कोई सपना नहीं देखा था कि उसकी बुक्स कंप्लेन कर रही हैं। दैट इज ट्रू। दैट वॉज हर प्लान। नाउ क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट वॉज हरीश डूइंग व्हेन हिज मदर आस्क्ड हिम टू गेट रेडी। जब हरीश की मदर उनसे पूछती हैं तैयार होने के लिए तो हरीश क्या कर रहा था। सो द करेक्ट आंसर इज अमित वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन हिज मदर आस्क्ड हिम टू गेट रेडी। देन क्वेश्चन नंबर टू इन विच क्लास वॉज हरीश द प्रीवियस ईयर। इससे पहले हरीश कौन सी क्लास में था एंड विच क्लास वुड ही एंटर व्हेन द स्कूल रीओपन्ड। और जब स्कूल रीओपन होंगे तो वो कौन सी क्लास में एंटर करेगा। सो द प्रीवियस ईयर हरीश वॉज इन सेकेंड क्लास। इससे पहले हरीश सेकेंड क्लास में था और जब दोबारा स्कूल रीओपन हुए तो उसने कौन सी क्लास में एंट्री ली थी। एंड ही वुड एंटर इन क्लास थर्ड व्हेन द स्कूल रीओपन। ओके देन क्वेश्चन नंबर थ्री वेयर डिड हरीश फर्स्ट सी द बुक्स फॉर द न्यू एकेडमिक ईयर। और अपने न्यू एकेडमिक ईयर के लिए हरीश ने सबसे पहले बुक्स को कहाँ पे देखा था। हरीश सो द बुक्स ऑन द स्कूल काउंटर फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले उसने बुक्स को स्कूल काउंटर पर देखा था। व्हेन अदर पपिल्स स्टार्टेड टू राइट हरीश वॉज सिटिंग विद टीयर्स। जब बाकी बच्चे लिख रहे थे तो हरीश वॉज सिटिंग विद टीयर्स। हरीश बैठा रो रहा था इन हिज आईज। वाई तो वो क्यों रो रहा था। सो आंसर इज हरीश वॉज सिटिंग विद टीयर्स इन आईज बिकॉज ही लॉस्ट हिज इंग्लिश नोटबुक। हरीश रो रहा था क्योंकि उसने अपनी इंग्लिश नोटबुक को खो दिया था। देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ व्हाट वॉज द ड्रीम मिसिज जया हैड। मिसिज जया ने कौन सा ड्रीम देखा था। तो मिसिज जया सो दैट द बुक्स वर कंप्लेनिंग टू हर ऑन देयर बैड कंडीशन हाउ द नोटी चिल्ड्रन हर्ट देम। क्योंकि नोटी चिल्ड्रन जैसे कि उनको हर्ट करते हैं तो वो सारी बुक्स मिसिज जया के ड्रीम में आकर उनको कंप्लेन कर रही थी। हाउ डू यू थिंक द इंग्लिश नोटबुक केम बैक टू द सेल्फ। आपको क्या लगता है कि इंग्लिश नोटबुक वापस सेल्फ में कैसे आ गई थी। वी थिंक दैट हरीश मदर पुट द बुक बैक इन हिज बुक सेल्फ। क्योंकि हरीश की मदर ने वो बुक को वापस रख दिया था। वाई शुड वी ट्रीट आवर बुक्स जेंटली। हमें अपनी बुक्स को अच्छे से क्यों ट्रीट करना चाहिए। सो वी शुड ट्रीट आवर बुक्स जेंटली बिकॉज आवर बुक्स फील द सेम एज वी फील व्हेन वी हर्ट देम। और क्योंकि हमारी बुक्स को भी ऐसा ही फील होता है जैसे कि हमें फील होता है हर्ट करने पे, इसलिए हमें उनको अच्छे से रखना चाहिए। सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स। ओके देन दीज आर वन वर्ड्स। सो हेयर आर सम सेंटेंसेस वी हैव टू राइट द वन वर्ड फॉर देम। एन इंस्ट्रक्शन बुक ऑन हाउ टू डू समथिंग। एक ऐसी इंस्ट्रक्शन बुक जो हमें बताती है हाउ टू डू समथिंग कि किसी चीज़ को कैसे करना है। द नेम ऑफ द बुक इज मैनुअल। मैनुअल देन अ बुक कंटेनिंग एक्सरसाइजेज एंड प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। एक ऐसी बुक जिसमें एक्सरसाइज होती हैं और हमें उसको सॉल्व करना पड़ता है। दैट इज वर्क बुक। दिस इज क्वेश्चन टू। देन थर्ड इज अ बुक
दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, एक ऐसी बुक जिसमें हम किसी भी वर्ड का मीनिंग देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड डिक्शनरी। DICTION ARY, डिक्शनरी। देन फोर्थ इज अ बुक टू कीप फोटोग्राफ्स, एक ऐसी बुक जिसमें हम फोटोग्राफ्स को रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्बम, ALBUM, एल्बम। देन फिफ्थ अ बुक विद लेसन्स एंड एक्सरसाइजेज, एक ऐसी बुक जिसमें लेसन्स और एक्सरसाइजेज होते हैं, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट बुक। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, अ बुक ऑफ मैप्स, एक ऐसी बुक जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एटलस। देन अ बुक टू राइट योर डेली एक्टिविटीज, एक ऐसी बुक जिसमें आप अपनी डेली एक्टिविटीज को नोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरी। देन एट नंबर इज अ बुक दैट गिव्स मैनी वर्ड्स दैट मीन द सेम एज वन वर्ड, एक ऐसी बुक जिसमें हम वर्ड्स के मीनिंग देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड थिसोरस। देन नाइन्थ इज अ बुक इन विच यू राइट नोट्स, एक ऐसी बुक जिसमें आप नोट्स लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड नोटबुक। जब भी आपको कुछ लिखना होता है स्कूल में, सो यू राइट इन योर नोटबुक। देन टेन इज अ बुक विद अ लिस्ट ऑफ नेम्स एड्रेस एंड फोन नंबर्स, एक ऐसी बुक जिसमें फोन नंबर एड्रेस एंड नेम्स लिखे होते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टरी, DIRECTORY, डायरेक्टरी। देन 11 इज अ बुक वेयर योर प्रेजेंस एंड एब्सेंस आर मार्क्ड, एक ऐसी बुक जिसमें आपकी एब्सेंट एंड प्रेजेंस लगती है। सो जब आप स्कूल में जाते हैं मॉर्निंग में, आपकी टीचर आपकी प्रेजेंस लेती हैं वहाँ पे, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। ओके, सो एक्सरसाइज वर्क इज ऑल्सो फिनिश्ड। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।